हेलो दोस्तों, सोनाक्षी ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक होंगे। आज हम बल्क में आई कार्ड बनाएंगे, दिखाएंगे प्रीव्यू में किस तरह से बल्क में आई कार्ड बनाया जाता है। देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर ऑन हो गया है। मेरा कंप्यूटर पूरी तरह ऑन हो चुका है। एक डाटा लेते हैं। अपना फाइल खोलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। ये मेरा फाइल है, इसी में डाटा है। सकते हैं ये मेरा सॉफ्टवेयर है बल्क में आई कार्ड बनकर तैयार होगा। देख सकते हैं ये मेरा सीरियल नंबर है, एसएल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर नंबरिंग आ जाएगा। मेरा एक्सेल में नंबरिंग लिखा हुआ है और ये यहाँ से एक्सेल इसको टाइप कराएंगे। जहाँ मेरा डाटा है एक्सेल का, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। एक्सेल में रहा है, ओके करेंगे। अभी एक है, ये ढेर सारा बन जाएगा, देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक ढेर सारा बन के तैयार हो गया। 10 करते हैं, ये मेरा बनकर बल्क में तैयार हो गया आई कार्ड। और इसको यहाँ से एक्सेल है, एक से लेकर 500 तक डिजाइन एक ही है, लेकिन अलग अलग ये सब प्रिंट होगा। एक सौ नब्बे तक मैंने प्रिंट कर दिया था, इसको 191 से करना है। और ये ऑटोमेटिक टोटल प्रिंट हो करेगा। 31 पेजेस में दिखा रहा है, देख सकते हैं।
31 पेज है, 31 पे प्रिंटिंग पेपर प्रिंटिंग करने के लिए तैयार हो गया है मेरा प्रिंटर। देख सकते हैं ये मेरा प्रिंटर है और आई कार्ड प्रिंट करने के लिए तैयार है। देख सकते हैं आप यहाँ से कुछ नहीं करना पड़ेगा। टोटल अलग अलग नंबरिंग में प्रिंट करेगा। देख सकते हैं मेरा पेंटिंग चालू है। देख सकते हैं एक दूसरा पेज ऊपर में लगा हुआ है। एक पेज मेरा हो चुका है, दूसरा पेज आने के लिए। देख सकते हैं और लास्ट में तीसरा पेज इसमें डाल देते हैं। देख सकते हैं खूब अच्छे से मेरा पेंट हो चुका है। देख सकते हैं 191 से पेंट किए हैं यहाँ से। 191 सीरियल सीरियल नंबर 191 और ये 500 तक दे जाएगा। 10 का प्रिंट होता है एक पेपर पर 200 और ये 500 नंबर तक जाएगा। देख सकते हैं इसी तरह और ये मेरा सारा डाटा एक्सेल में तैयार है। मिलते हैं अगले ब्लॉक में।